कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में इलाज की एक तय रकम वसूलने की सीमा निर्धारित कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई अस्पतालों में तय राशि से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रेवाड़ी में एक स्थानीय अस्पताल का इसी तरह का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया और भारी संख्या में अब पुलिस बल अस्पताल में तैनात कर दिया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर तय रकम से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी इसी अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर छापेमारी भी की थी, लेकिन अब एक बार फिर इसी तरह का एक मामला अस्पताल में सामने आया है, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच का दावा कर रही है। सर, मामला पूरा ये था कि 7-8 दिन से एडमिट था हमारा मरीज यहाँ पे, तो ये डेली के 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी रिकवरी रोड ना स्टाफ ऐसा है, कोई भी खुल के जवाब नहीं देता, कोई बदतमीजी से बिहेव करते हैं। कल 50-55 ऑक्सीजन लेवल तक, तब भी वेंटिलेटर में नहीं, वेंटिलेटर खाली पड़े हुए हैं, फिर वेंटिलेटर में नहीं ले रहे, ना ही कोई जवाब देता है। आज हम जबरदस्ती नीचे गए हैं, तब हमें पता चला हमारा पेशेंट को कल भी रेड पड़ी थी इस पर, क्या उसके बावजूद कोई फर्क पड़ा है? कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर, वही पैसे जमा करवा रहे हैं, वही 50,000 रुपए पैसे, कल के बावजूद भी 50,000 रुपए के फोन आता डेली। पेशेंट 28 लीटर पे मेंटेन कर रहा था, 28 लीटर के बाद सभी डॉक्टर का सजेशन दिए था पेशेंट वेंटी पे जाएगा, इसके बावजूद हम इससे मिले, हमने कहा हमारे नॉन डॉक्टर जो है वो सब वेंटिलेटर के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, कह रहे नहीं पेशेंट मेंटेन। सर, हमारा पेशेंट है 6 तारीख से एडमिट था, आईसीयू में था, थोड़ी उसका उनके लंग्स में थोड़ा ज़्यादा डैमेज था, 70% डैमेज थे लंग्स। इन्होंने बोला हम ठीक करेंगे, रिकवरी करेंगे, 50,000 रुपये पर डे बेड चार्ज लेंगे। हमने कहा ठीक है, चलो हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, 50,000 रुपये भी हम बेड चार्ज देने के लिए तैयार थे, दे भी रहे थे हर डे 50,000 रुपये, 12 बजे इनको जमा कर देते थे, अभी तक हम 2 लाख रुपये जमा कर चुके थे। तो इन्होंने बोला आपका पेशेंट ठीक है, बिल्कुल रिकवरी होएगा, डेली हमसे यही बोलते थे आपका पेशेंट ठीक है, रिकवरी होएगा, सब है ठीक है, रिकवरी कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। हम मिलके भी आते थे, पेशेंट ठीक भी था। कल इनकी कंप्लेंट हुई किसी और पेशेंट के रिगार्डिंग, मीडिया वाले आए थे, सीएमओ साहब सब आए थे, निशा तहसील तहसीलदार भी आई थी, सब आए थे, इनके खिलाफ केस हो गया कि आप 50,000 रुपये पर डे कैसे ले रहे हो। उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे कम नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसों के लिए कुछ वो नहीं करा, करना हमने करवाए कम की ठीक है हमारा पेशेंट बच जाए, हमें पैसों की नहीं है, पैसे तो फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, रात रात में जितने भी आईसीयू रूम में थे सब डेड कर दिए। निजी अस्पतालों से ओवरचार्जिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात हमने टीम का गठन करके उसको रेड कराया है और हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है, और जैसे ही वो जवाब देंगे और जो भी जांच आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल है सर, और क्या कुछ अभी निकल कर सामने आया अभी तक? 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि आपको ज्ञात है, और उनके उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं, और जैसे ही वो जवाब देंगे कल तक या आज जो भी उनको समय दिया गया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी रेवाड़ी के इस नंदलाल अस्पताल पर हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी। अस्पताल पर तय रकम से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने स्वास्थ्य विभाग से की थी। शिकायत के बाद विभाग ने अस्पताल पर छापेमारी की थी और अस्पताल को नोटिस भी जारी किया गया है। उस मामले में जाँच का सिलसिला फिलहाल जारी है, लेकिन इससे पहले ही एक बार फिर आज इसी तरह का दूसरा मामला इसी अस्पताल में सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। ब्यूरो इनपुट, हरियाणा वरदान। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हरियाणा की तमाम खबरों के लिए हरियाणा वरदान को सब्सक्राइब कीजिए।